हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक टीचिंग लर्निंग एयर, वी इे कॉल्ड आज मेटेरियल्स टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियल्स जे शिक्षण सामग्री का अवधारणा क्या है या उसका अर्थ क्या होता है फर्स्ट हम लोग जानना चाहेंगे टीचिंग लर्निंग मेटेरियल्स आर एनी कलेक्शन ऑफ मेटेरियल्स इंक्लूडिंग एनिमेट एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दैट एड टीचर मे यूज इन टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशंस टू हेल्प अचीव डिजायर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शिक्षण अधिगम उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानविक तौर पर या सामग्री के तौर पर जो सामग्री को हम लोग को व्यवहार में लाते हैं और उसी में हम लोग सीखने को प्रयास करते हैं ये उसको हम लोग को शिक्षण अधिगम सामग्री बोलते हैं ये बहुत तरह का होता है जैसे यहाँ बताया जाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टी एल एम इज कॉमनली यूज एक्रोनाइम दैट स्टांड्स फॉर टीचिंग लर्निंग मेटेरियल्स यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री को साधारणतः तो हम लोग अधिगम के दौरान में व्यवहार में लाते हैं जिसको आक्रोन मीन्स संक्षिप्त रूप में हम लोग उसको टी एल में बोलते हैं ब्रॉडली द टर्म रिफर्स टू ए स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशनल मेटेरियल्स दैट teachers use इन द classroom टू सपोर्ट स्पेसिफिक लर्निंग objectives आज सेट आउट इन लेसन प्लान्स एक्चुअली लेसन प्लान के हिसाब से जब लेसन प्लानिंग किया जाता है उसको हम लोग को शिक्षण अधिगम दौरान में अप्लाई करते हैं मोटे तौर पर यह शब्द उन शैक्षिक सामग्री के एक स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है या एक पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर थीम को संदर्भित करता है जो शिक्षक ने कक्षा में उपयोग किए गए विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य का समर्थन करने के लिए पाठ योजना के रूप में निर्धारित किया गया है जब लेसन प्लानिंग का बात होता है दैट इनडायरेक्टली रिलेटेड टीचिंग लर्निंग मेटेरियल जब डायरेक्टली टीचिंग लर्निंग मेटेरियल होता है दिस कैन बी गेम्स वीडियोज कार्ड्स प्रोजेक्ट सप्लाइज एंड मोर ये सब यूज सामान को जब यूज हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में हम लोग इसको संदर्भित करते हैं क्लासरूम टीचिंग दैट ही यूज ओनली अ टीचर लेक्चरिंग द क्लास पॉप्स राइटिंग ऑन द चॉकबोर्ड और वाइट बोर्ड इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नॉट यूजिंग एनी टी एल एम जब बात होता है स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो टीचर क्लासिकली यूज होता है सिर्फ ब्लैक बोर्ड में टीचर यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड में ही लिखा देते हैं और बच्चे वहीं से समझ लेते हैं तो कंप्लीट हो जाता है पढ़ाई लिखाई अधिगम का प्रणाली ख़त्म हो जाता है इसको हम लोग को पुराना और पुराना तौर पर या क्लासिक तौर पर मानते हैं जब यूजिंग टीएल में क्या ग्रेटली आसिस्ट स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस जब मॉडर्न युग में अभी का संदर्भ में जब दो हज़ार का बाद बोलते हैं या दो नाइनटीन नाँटि के बाद जब टीचिंग लर्निंग मेटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री को शिक्षण के प्रणाली में जब उपयोग किया जाता है तब बच्चे ज़्यादा उसको समझने में प्रयास करते हैं और बहुत आसान होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोग्रेस करने में देन द यूज ऑफ मैटेरियल्स पहले जानते हैं ये मेटेरियल्स क्या हेल्प करता है देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मेटेरियल्स दैट कैन बी यूज बाय बोथ द फैसिलिटेटर एंड द लर्नर एक्चुअल जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल होता है जो शिक्षण सामग्री होता है ये यूज होता है आज बाय फैसिलिटेटर एंड बाय द लर्नर ये स्टूडेंट भी इसको व्यवहार में लाते हैं और फैसिलिटेटर मीन्स आज अ टीचर टीचर या योर गाइडर आपका टीचर हो या आपको जो गाइड करते हैं या पेरेंट्स हो सकते हैं आपका फ्रेंड हो सकते हैं या आपका सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर हो पाते हैं तो एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर हो पाएंगे उन लोग के हिसाब से उनके सामने जब आप पढ़ाई करते हैं और जब टीचिंग लर्निंग मेटेरियल होता है दो साइड में यूज होता है इसको फैसिलिटेटर यूज़ करते हैं टीचर यूज़ करते हैं और स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं एक्टिवेट बेस्ट लर्निंग एम्प्लॉयज या वेराइटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेटेरियल्स एंड फोकस ऑन स्टूडेंट इंट्रैक्शन टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट जब न्यू uh, कॉन्सेप्ट का पढ़ाई होता है न्यू चीज़ बारे में जानना होता है तो उसमें यह प्रयास किया जाता है गतिविधि आधारित शिक्षण विभिन्न शिक्षण या शिक्षण सामग्री को रोजगार देता है या कोई नया नई दिशा देता है और नई अवधारणाओं को सीखने के लिए छात्र बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ध्यान केंद्रित करता है अब एक्टिविटी बेस्ड जो गतिविधि आधारित शिक्षण का बात होता है यहाँ पर स्टूडेंट प्रैक्टिकली और एक्टिवली एंगेज देम सेल्वस टू तो लर्न थ्रू मेटेरियल्स पढ़ने के लिए शिक्षण को प्रणाली को आत्मसात करने के लिए स्टूडेंट जब इस मटेरियल को यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच बीच में शेयर होता है क्वेश्चन आंसर हो या कोई डिफिकल्ट हो या कोई नीच नया चीज़ आप सीखते हैं तो टीचर और स्टूडेंट के साथ में शेयर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक लर्निंग मेटेरियल्स एनहांस द प्रोसेस जब लर्निंग मेटेरियल ये आपका शिक्षण प्रणाली या शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देता है जैसे हम लोग को बोल सकते हैं लर्निंग मेटेरियल्स और द एड्स यूज बाय द लर्नर टू हेल्प हिम और हॉर लर्न इफेक्टिवली जिस चीज़ को अच्छा से आत्मसात करने के लिए याद करने के लिए मेमोराइज करने के लिए जिस सामग्री हेल्प करता है तो उसको हम लोग को uh, शिक्षण अधिगम सामग्री बोलते हैं उसका पहला पॉइंट होता है गेम्स जिसको हम लोग को बोल सकते हैं खेल खेल कूद बोल सकते हैं गेम्स बोल सकते हैं games can be useful in teaching students everything from money and grammars to social skills more active outside games such as basketball kick, kickball can help students learn social skills such as taking turns sharing working as a team and being a good loser or gracious winner यहाँ पे जब गेम्स का बात होता है यहाँ पे होता है कॉम्पिटिशन माइंड डेवलप होता है बच्चों में और जब इंटर आउटडर मतलब जब क्लासरूम में जब ये गेम्स का यूज़ होता है तो आप उसको पढ़ाई लिखाई रिलेटेड में आप लोग कर सकते हैं जब आउट ऑफ द क्लासरूम होता है वहाँ पर बास्केटबॉल क्रिकेट किकबॉल खेला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कॉम्पिटिशन माइंड डेवलप होता है और यहाँ पर स्टूडेंट के स्टूडेंट बीच में होता है कॉलेज दूसरे कॉलेज के बीच में होता है दूसरे इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है तो यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने के साथ साथ आपका कंपटीशन माइंड भी डेवलप होता है जिसके चलते आप एक क्या बोलते हैं उसको अनुकूल एक तो इधर आप फेल जब हार जाते हैं जीत नहीं पाते हैं, तो आज ए लूजर आप एक तो हारते हैं जो मतलब ये क्या होता है आपको दूसरे बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा चूँकि ये कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है और जब वो ग्राशियस विनर हो जाते हैं तो एक तो अनुकूल उनके लिए और एक तो क्राइटेरिया और एक तो चांस मिलता है जो कि आगे और प्रोग्रेस करने के लिए तो ये गेम्स वन टाइप ऑफ मेटेरियल है टीचिंग लर्निंग मेटेरियल ये स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका कोकरिकुलर एक्टिविटी को, को डेवलप करने के लिए बहुत हेल्प करता है देन फ्लासकार्ड्स ये सब हम लोग जो यूज करते हैं इसमें क्या होता है मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग मेक लर्निंग ईजी हेल्प द फैसिलिटेटर टू डिलीवर हिज हर लेसन सक्सेसफुली एंड इजीली एनेबल्स द फैसिलिटेटर टू एक्सप्रेस इंटेंडेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग इफेक्टिवली मेन कार्ड्स जब यूज होता है ये जितना लर्निंग मेटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं इसमें एक होता है फ्ल कार्ड ये पढ़ाई लिखाई अधिगम को बहुत सुगम करता है आसान बनाता है और टीचर भी उसको यूज़ करते हैं वो उनका भी डेवलप होता है और स्टूडेंट का एज वेल एज स्टूडेंट का भी डेवलप होता है फ्लाश कार्ड में जब हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे बताया जाता है इवन इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वेस्ड लर्निंग मेटेरियल्स फ्लास कार्ड्स कैन बी पर्टिकुलर यूज फॉर स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिजेबिलिटीज सोच एज डायलैक्श डायलैक्ट जो होते हैं जिन लोग को पढ़ने में दुविधा होता है जिन लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए फ्लासकार्ड यूज कर किया जाता है तो उसको देख के ही उन लोग रिकोगनाइज करते हैं कि ये चीज़ और इस किसके बारे में डिस्कशन किया जाता है printing high-frequency words also known as sight words on the front of flashcards with short definitions on the back can create a good learning tool for students who have auditory and visual learning styles जिनको देखने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए फ्लास्ट कार्ड में बड़े बड़े लेटर में उनका डेफिनेशन लिखा जाता है मीनिंग लिखा जाता है या कोई पर्टिकुलर वर्ड को डिफ़ाइन किया जाता है उसको बहुत बड़े बड़े लेटर में लिखा जाता है और बैकग्राउंड में उसमें पिक्चराइजेशन किया जाता है कलरफुल पेंट किया जाता है या ड्राॅइंग बनाया जाता है जिसको वो बताने से सुन नहीं पाएंगे या देख नहीं पाएंगे जिनको कम थोड़ा सा दिख, कम दिखाई पड़ता है वो दूर से उसको देख के रिकोगनाइज़ करते हैं और बड़े बड़े लेटर देखने से उन लोग को जिनको कम देखने में दुविधा होता है और एक होता है डायलैक्ट से जो होते जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए फ्लास्ट कार्ड दिखाइएगा का, दिखाने से वो लोग समझ जाते हैं और वो किस मैटर के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है वो उसको समझने को प्रयास करते हैं देन वीडियोज़ वीडियो जो जो हम लोग इसको ऑडियो विजुअल भी बोलते हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं और देख के ही बोल सकते हैं सम आर एक्सपेंसिव वाइल अदर्स आर रिलेटिवली चीप एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर्स देम मतलब जिस लर्निंग मटेरियल्स होता है वो ज़्यादा चीप होता है सस्ता भी होता है कभी कभी एक्सपेंसिव भी होता है ज़्यादा पैसा भी लगता है जैसे बहुत जगह में बोला जाता है कंप्यूटर का यूज़ करना या प्रोजेक्टर यूज़ करना हर शिक्षण संस्थाओं में संभव नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता है तो यहाँ वन टाइप ऑफ हो ये टीचिंग लर्निंग मेटेरियल जिसको हम लोग ऑडियो विजुअल भी बोल सकते हैं वीडियोज़ इन the current digital age, देर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट that offer free फ्री एजुकेशनल for फॉर किड्स यहाँ पर वीडियोज़ का जो बात होता है तो यहाँ पर वीडियो बना के डाल दिया जाता है वेबसाइट में यूट्यूब में जिसको जिस किसी टॉपिक के ऊपर में अगर आपका नॉलेज गेन करना है तो आप उस वीडियो को सर्च करके उसके ऊपर में आप डिस्कसन कर सकते हैं और आप नॉलेज गेन कर सकते हैं ये वन टाइप ऑफ वास्ट मीडिया हेल्प करता है फॉर लर्न ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल है और ज़्यादा अप्लीकेबल भी है वीडियोज़ प्रोवाइड रियल विजुअल इमेजेस दैट कैन हेल्प एंड लिव एन लर्निंग बट यू नीड टू बी केयरफुल टू चूज़ वीडियोज दैट हर रियल एजुकेशनल वैल्यूज एक्चुअली ये विजुअल इमेज क्रिएट विजुअल इमेज क्रिएट होता है इसमें वीडियो बनाया जाता है पिक्चराइजेशन किया जाता है बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जाता है थ्रो पिक्चर ये क्या होता है शिक्षण अधिगम प्रणाली को सजीव बनाता है और ज़्यादा जान डाल देता है जैसे बोला जाता है और ज़्यादा एक्टिव होकर बच्चे उसको सुनते हैं देखते हैं और उसको ग्रहण करने को प्रयास करते हैं वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री लर्निंग वीडियोज इंक्लूड द खैन एकदमी व्हिच ऑफर्स वीडियोज ऑन बेसिक बेसिक्सड मैथ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर साइंस एंड इवेंट सेट सेट का होता है स्कॉलास्टिक असेसमेंट स्टेट सॉरी स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट प्रिपेरेशन ये एक अकाडेमी तो के है एकेडमी है तो जैसे ज्ञान ज्योति बहुत सारा का आता है यूट्यूब में और उसका एकेडमी है लर्निंग एकेडमी बहुत सारा है एजु, एजु, एजुकेट एडुकेट एकेडमी बहुत सारा एकेडमी होता है तो उसमें वीडियो लिंक किया जाता है उसमें आप लोग साइंस मैथमेटिक्स मैथ, 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 इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट में आप अगर सर्च करते हैं उसके ऊपर में आप लोग को मिल जाता है सब्जेक्ट मिल जाता है और एग्जाम रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन कलेक्ट करना होता है फॉर इवाल्युएसन प्रोसेस तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं एंड आंसर भी मिल जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वो भी मिल जाता है तो ओवरऑल जो वीडियोस भेजा जाता है यूट्यूब में हो या गूगल में भेजा जाता है तो वहाँ पर स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज मिलता है और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे उस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन किया गया है अच्छे से अच्छे टीचर के द्वारा उसको समझने में बच्चों को और आसान होता है और बच्चे प्रयास करते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर में ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए ओवरऑल आज हम लोग को टीचिंग लर्निंग मेटेरियल के ऊपर में थोड़ा बहुत डिस्कशन किए कल प्रयास करेंगे इस टॉपिक में और डिस्कशन करने के लिए आज के लिए इतना ही थैंक यू